भगवान, मुझे मेरे किए क्या सजा मिल गए। माफ कर, बाप कमीने भाग, किस तरह तूने मेरी लाडो को तड़पा तड़पा कर मारा था, आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगी। मुझे माफ कर, अल्लाह का धरती का बोझ हल्का कर दे। बात उधर है, उधर जा। मुझे मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? तुझे माफ कर दो? तुझे माफ करना औरत की नस्ल पर जुल्म करना है। नहीं, नहीं। बोल, तुझे कहां मरना है, घर में या खेत में या वहां जहां तूने मेरी छोटी बहन लाडो को मारा था? नहीं। हरामजादे, पापी को माफ करना तो पाप को बढ़ावा देना है, और तुझसे तो अभी मुझे पिछला हिसाब भी चुकाना है। बहन, बोटी बोटी नोच डाल इस हरामजादे की। ये अंदर का दुश्मन है, इसे माफ करना हमारी तौहीन है। नहीं, अरे कोई है? अरे अरे, वो जमाना खत्म हो चुका है हरामजादे, जब हिंद की बेटी घूंघट की कैद से बाहर नहीं निकल पाती थी। तुझे माफ कर दूं? तूने दहेज की खातिर मेरे फौजी बाप की जिंदगी को नरक बना दिया, मेरे जवान भाई को मार डाला, मेरी बहन की खुशियों से खिलवाड़ किया तूने कमीने। आज तुझे ये हिंद की बेटी ऐसी मौत देगी जिसके बाद तुझ जैसे दरिंदे दहेज का नाम लेना भी भूल जाएंगे। मुझे माफ कर दो, नहीं, मुझे माफ कर दो, नहीं, नहीं, नहीं। हरामजादे, मिट्टी के भगवान को छोड़कर जिसे सारी दुनिया पूछती है, तू इस भगवान के पास आ गया? अरे कुत्ते, आज तो अगर पाताल में भी होता तो मैं तुझे ढूंढ निकालती। तूने देवी की बहन की इज्जत लूटी है, तुझे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। आज मैं देखती हूँ जिसे तू मिट्टी का भगवान कहता था उसके राज में देर है या अंधेर। जब जब जिंदगी ने मौत को पुकारा, मौत चली आई। मैं आ गया प्रिये, मैं आ गया। We'll be right back.
क्या कहा? फौजी देश भर गांव में पहरा दे रहा है, चलो उस पहरेदार को भी देख लेते हैं। रंगा जाने हल और बंदूक का नाता। जब जब अपने देश पर आफत आई, किसान भाइयों ने हल छोड़कर बंदूक उठाई, और जब हम लड़ाई जीत गए तो फिर बंदूक छोड़कर हल चलाने लगे। यह बंदूक और हल का नाता अमर था, अमर है और अमर रहेगा। मैं तेरे हल और बंदूक दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या टकराएगा किसान से? जो किसान इस धरती का सीना चीरकर अनाज उगा सकता है, वो तुझ जैसे राक्षस को बंदूक उठाकर इस धरती पर दफन भी कर सकता है। तेरी मौत आ गई है बुजदिल, तेरी मौत आ गई है। रंगा और बुजदिल, अरे पगले, मेरे एक इशारे से दरिया का बहता हुआ पानी रुक जाता है और मेरी एक धार से औरत गर्भवती हो जाती है। हाँ, झूठ मत बोल रंगा, मैंने तुझ जैसा कमीना मक्कार और डरपोक इंसान ही नहीं देखा। हट, रंगा को डरपोक बोलता है? हाँ, डरपोक कहता हूं। अरे अगर हिम्मत है तो दिन के उजाले में इस फौजी और किसान से टकरा के देख। अरे रात को तो बुजदिल हमला करते हैं और तू अपने आप को दिलावर कहता है, है? पागल, बच्चों की तरह झुंझलाता क्यों है? हिम्मत है तो मार मुझे, मार। अरे मैं हिंदुस्तान के करोड़ों फौजी और किसान भाइयों का नुमाइंदा हूं और मेरी मौत से करोड़ों किसान और फौजी तुझे कुचल डालेंगे। बस कांप के तेरे हाथ। अरे भगवान श्री राम चाहते तो एक झटके में रावण को मार डालते, मगर भगवान श्री राम ने उसे मौका दिया और जब रावण का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तब भगवान श्री राम ने उसकी लंका जलाई, और अब मैं तेरी लंका जला डालूंगा। अमर जोत में जोत अपनी मिलाओ, ये मेरा वतन है तुम्हारे हवाले। उभरते सितारों हो तुम कल के फौजी, है फौजी वही जो वतन को संभाले। जिनके लहू ने सींचा वतन को, उनकी आन और शान बढ़ाना। तुम दुश्मन को माफ न करना,
कृष्ण के अर्जुन बन के दिखाना, बन के दिखाना, बन के दिखाना। यार रंगा को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी सर, फिक्र मत करो मैं फोर्स बहुत जल्दी भेज रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अरे क्या खबर लाए हो? मौत की खबर लाए हैं। मौत? किसकी मौत की? जब जब किसान और फौजी का हुआ है साथ, तेरे जैसे राक्षस का हुआ है नाश। है? रंगा को राक्षस बोलते हो? चंगू? हाँ चंगू। मरते मरते सच तो बोला ना? हाँ चंगू। तो मिला हाथ? हाँ। जिस खेल को मैंने शुरू किया था आज उसे मैं ही खत्म करूंगा। शहद की मक्खी